हाँ जी दोस्तों, मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए रेसिपी के साथ। चलते हैं चावल बनाने के प्रोसेस की। और तो यहाँ मैंने अच्छे से बासमती चावल को धोकर रख दिया है और धन हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, तो उसमें बारी बारी में चावल डाल दूँगी। फिर उसके बाद डाल दूँगी, उसको मिला दूँगी, अच्छे से मिल जाए तो फिर उसको अब उसको ढककर पकने देंगे। तो चलते हैं मटन की ओर। ये हमारा 1 किलो मटन था तो उसको अच्छे से धोकर रख दिए हैं। उसके बाद मम्मी प्याज के साथ उसे अच्छे से मसल रही है और नमक डालकर अच्छे से उसमें नमक भी मिल जाए, और उसके बाद हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी हमारे पास जो मसाले थे वो सब डाल देंगे। और ये है मेरी मम्मी है और मैं मम्मी को मम्मी की हेल्प करूँगी। उसके बाद मैं सरसों का तेल और हल्दी, थोड़ा कम हो गया था तो हल्दी भी डाली। फिर ये मैं हूँ और ये मम्मी है। अब कैमरे में आना भी जरूरी था इसलिए मैं भी आ गई। उसके बाद तेल गरम, कुकर में तेल गरम करके फिर उसमें तेज़पत्ता, जीरा कट, फिर उसके बाद जो मसल जो मटन रखे थे ना वो मिला कर रखे थे वो भी डाल देंगे। तो उसके बाद अब उसमें डाल देंगे पानी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना मैं पानी डाल दी। डालने के बाद उसको अब उसको ढक कर सीटी लगा देंगे। मैंने लगाया था 4 से 5 सीटी में, अब मेरा मटन हो गया था। मैं ये सीटी कुकर लगा दूँगी तो ये हमारा बन गया है मटन करी एकदम मसालेदार। को देख के मन किया खाने का, तो ये मैं तो जा रही हूँ खाने। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।